दुनिया में इल्म और टेक्नोलॉजी की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। हमारे मुल्क के हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म श्री राजीव गांधी बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाते रहते हैं कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान को दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों के शाना बशाना कदम रखना है। तरक्की की इस रफ्तार को हमारे अहद में बनाए रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर और ज़बान का भी बहुत गहरा रिश्ता है। हिंदुस्तान में कई ज़बानें बोली जाती हैं। हमारा मुल्क मज़हबों तहज़ीबों और ज़बानों का गहवारा है। हमारी रंगारंगी इसमें नहीं कि इन ज़बानों में यकसानियत पैदा की जाए, बल्कि हमारी यकजहती इसमें है कि हर ज़बान का रंग अपनी जगह पर खूबसूरत हो, रोशन हो, और हर रंग दूसरे रंग को मजबूत करे, उसे काटे नहीं। कंप्यूटर की मदद से एक ही छोटी सी मशीन पर कई हिंदुस्तानी ज़बानों का काम भी लिया जा सकता है। इधर उर्दू ने जो कदम आगे बढ़ाया है और वज़ीर आज़म जिसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे हैं, यानी कंप्यूटर के इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में ध्यान देना चाहिए, तो हम समझते हैं कि कंप्यूटर का जो सिस्टम और उर्दू का जो पेज मेकर आदिल शहरयार साहब ने बनाया है, तो वो वज़ीर आज़म की आवाज़ पर उर्दू ज़बान का लब्बैक है। तो 16 जून को प्रगति मैदान में आदिल शहरयार साहब के बनाए हुए कंप्यूटर एडेड नॉलेज सिस्टम का जो इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने फरमाया, उस सारे प्रोग्राम की एक झलक आपको दिखाई जाएगी। मोहतरम वज़ीर आज़म, मोहतरम वज़ीर तालीम, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ख़वातीन, मेरा यह खुशगवार फरीज़ा है कि आज के मेहमानों को खुशामदीद कहूँ और उनका खैर मुकदम करूँ। उर्दू ने हमारे इस तारीखी शहर में जन्म लिया आज, लेकिन एक ऐसा तारीखी कदम फिर उसी तारीखी शहर में उठाया जा रहा है कि जिससे उर्दू को तरक्की मिलने के लिए नई राहें और नई मंजिलें उसके लिए तय की जा रही हैं। मुझे यकीन है कि हमारी इन कोशिशों का नतीजा बहुत जल्द बरामद होगा और उससे उर्दू वाले सब मुस्तफीद हो सकेंगे। उर्दू वाले शुक्रगुजार हैं मोहतरम वज़ीर आज़म आपके, क्या आपने जिस कदर दिलचस्पी ली, अपने बहुत ही मसरूफ़ वक्त में से थोड़ा वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए ताकि इसका इफ्तिताह फरमाएं, हम सब आपके ममनून हैं। लेकिन इन अल्फाज के साथ एक बार फिर मैं मोहतरम वज़ीर आज़म आपका, वज़ीर तालीम आपका और तमाम ख़वातीन और हज़रात का मशकूर हूँ कि आपने तशरीफ़ लाकर हमारे इस जलसे की शौहरत और इसकी अजमत बढ़ाई। ख़वातीन हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है कि मुद्दत से जिसकी मुझे तलाश थी वो काम आज शुरू हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल हो रहा है, ये तो शुरुआत है। हिंदुस्तान में कई ज़बानें हैं, ज़बानों का आपसी मेलजोल भी है और एक तरह से कभी कभी टकराव भी होता आया है, लेकिन ज़बानों के साथ साथ रस्मुल ख़त स्क्रिप्ट का भी सवाल उठता आया है और स्क्रिप्ट्स के आपस के टकराव भी कभी कभी होते आए हैं। इसमें ग्राफिक्स की जो कैपेबिलिटी है
उसको किसी भी जबान किसी भी रस्म उलखत पर आप लागू कीजिए, वो उसको चला के दिखा देगा। जबान वो बिल्कुल नहीं जानता, अंग्रेजी भी नहीं जानता। किसी कंप्यूटर से पूछिए कि कोई जबान जानता है, तो बिल्कुल वो नहीं जानता। वो बेजान चीज है, मगर जानदारों से बहुत ज्यादा जानदार है। तो उसकी जो कैपेबिलिटी है उसका हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिस जबान जिस रस्मुल खत के लिए उसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल माना जाता था, यानी उर्दू, जब उसमें ये मुमकिन हुआ है तो और स्क्रिप्ट्स के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए। उर्दू का रस्मुल खत जो हमारा नस्तालीक है, जो कैलीग्राफी के तरह तरह के उसमें मॉडिफिकेशंस हैं, उनको ग्राफिक्स में ले आना मेरी दानिश में बहुत मुश्किल काम था, और अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत मुश्किल काम है जो आदिल साहब ने अंजाम दिया है। पहले तो मैं इस पर भरोसा ही नहीं कर सकता था कि उर्दू का रस्मुल खत इसमें आ सकता है। और ज़्यादा इसको रिफाइन करने की ज़रूरत है। मैं ज़रा ग़ौर से देखता हूँ तो फिर भी मुझे डॉट वहाँ वहाँ नज़र आते हैं, तो उन डॉट्स को पूरी तरह से राउंड अप करने की बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हो जाएगा। अब वो ग्राफिक्स का मामला है, तो जितना अच्छा वो ग्राफिक्स कैपेबिलिटी उसकी होगी उतना ही अच्छा ये राउंडिंग भी हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ कुछ लेज़र प्रिंटर वगैरह आ जाएंगे तो और ज़्यादा उसमें मदद मिलेगी। तो ये एक टेक्नोलॉजी का सवाल हो गया, अब कोई इम्कानात का सवाल अब नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी का सवाल है। अब आगे जितना हम उसे बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ेगा। और एक जिसको हम ब्रेक थ्रू कहते हैं कि ये जो नहीं हो सकता था या जो समझते थे कि ये नहीं हो सकता, अब हम को पता चल गया है कि ये हो सकता है। अब फिर इसके बाद मुड़कर देखना नहीं है, पीछे की तरफ देखना नहीं है, अब आगे ही देखना है। भारत के पूरे इतिहास में हमने देखा है कि हमारी ताकत तब बनी है जब हम हर इल्म के लोगों को साथ जोड़कर आगे बढ़ा पाए, हर भाषा को, हर तहसीब को। भारत बहुत भाषाओं को लेकर आगे बढ़ा है। कई भाषाएं बाहर से आईं, लेकिन उर्दू एक ऐसी भाषा है जो भारत में ही पैदा हुई। चाहे हम मीर तकी मीर के जमाने से देखें, चाहे आज हम आकर गोपी चंद नारंग तक पहुंचे, अगर भारत की ताकत बननी है, अगर भारत की विरसा हमें बचानी है, और आज बहुत ज़रूरत है कि हम भारत की विरसा को बचाएं, आते हुए पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को हम ये पकड़ा के जाएं, तो हमें देखना है कि हमारी सब तहसीब बचे और आगे बढ़े, फूले। हमारी उम्मीद है कि इस एक कदम से ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। अगली कदम है कि हमारी दूसरी भाषाओं में भी इसी तरह से कंप्यूटर के प्रोग्राम बने जिसमें देश के सब बच्चे ऐसे कार्यक्रमों का, टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाएं। एक बात हमें याद रखनी है कि चाहे कंप्यूटर होए, चाहे दूसरी टेक्नोलॉजी होए, ये सब खाली औजार हैं, इससे तरक्की नहीं होती। इनको ठीक ढंग से इस्तेमाल करने से तरक्की होती है, और ये हमें हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को सिखाना है। हमारी उम्मीद है कि इस कदम से ये भी होगा। मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, खासकर आदिल को जिन्होंने ये डेवलपमेंट करी, और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये सब स्कूलों तक, यूनिवर्सिटीज तक पहुँचेगा, इसमें इसका पूरा फायदा सबको मिले। धन्यवाद। Oh,
आदिल साहब, आपने जो उर्दू पेज मेकर बनाया है, कंप्यूटर एडेड नॉलेज सिस्टम, जिसका वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह फरमाया है, आप इसके बारे में बताएंगे कि उर्दू ज़बान को इससे क्या क्या फ़ायदे पहुंच सकते हैं? उर्दू कंप्यूटर और नॉलेज, कंप्यूटर एडेड नॉलेज सिस्टम एक पैकेज में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप हर एक किस्म के काम ले सकते हैं। क्योंकि उर्दू नस्ताली की जो एजाज हुई है वो ये है कि ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें कैलीग्राफी और कॉम्पोजिशन की टेक्निक एक ऐसी है जिससे आप हर एक ज़ुबान की डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी और हिंदी और अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स में ये है कि आपका टेक्स्ट जो है बहुत छोटा है और नस्ताली का टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो जाहिर होता है कि इस टेक्स्ट के सिस्टम को बना के आप और ज़ुबान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। उनमें बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आम तौर पे कहलाए जाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एनालिसिस, डेटाबेस मैनेजमेंट, पर्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट, जो सब कमर्शियल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, वो सब उर्दू में इस्तेमाल हो सकते हैं। उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा होगी और हमारे हिंदुस्तानी उर्दू ज़ुबान के इस्तेमाल करने वाले लोगों को बड़ी उससे फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि वो चीज़ जो है वो फिर एक और ही उसका शक्ल बन जाएगा। जो अमेरिकन या अंग्रेजी प्रोग्राम्स हैं उनका यहाँ हिंदुस्तान में इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो उनका एक्सपीरियंस यहाँ कम है। जब वो उर्दू ज़ुबान और हमारी हिंदुस्तानी ज़ुबानों में आसानी से उसका इस्तेमाल हो सकता है, तो उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा पहुँचेगा कंप्यूटर को। जी, यहाँ ये भी बताइए कि ये जो मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, एक तो इनमें कंप्यूटर है, दूसरा लेज़र राइटर है, ये सब मशीनें मिलके किस तरह से काम करती हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है और इनसे किस तरह से काम लिया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग का या दूसरा उर्दू के बारे में? अच्छा, मैं इन चंद अल्फाज में आपको उर्दू कंप्यूटर के बारे में बताऊं। हमने उर्दू कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें डिस्क में बना के तैयार किया है हिंदुस्तान में। ये डिस्क जो है कंप्यूटर में डाउनलोड होके फिर इसका सारा सिस्टम चलाता है, जो हम कंप्यूटर एडेड नॉलेज कहलवा के हमने बनाया है, ताकि इसका काम यहाँ पे हिंदुस्तान में हो सके, उर्दू कंप्यूटर का भी और भी सारे ज़ुबानों का, और फिर जो इसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है इसमें वो करके हम मुल्क के कोने कोने में इस कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकें। अब आप यहाँ देखिए कि ये कंप्यूटर जो है, अब इसका सिस्टम चल के हर एक चीज़ में काम आ सकता है, प्रिंटिंग में, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में, डेटा प्रोसेसिंग जो है, और हर एक किस्म की चीज़ यहाँ स्क्रीन पे नज़र आके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीका है, ये माउस है और जो कीबोर्ड, जो आप सब जानते हैं कीबोर्ड के फंक्शन के साथ आपका सारा प्रोग्राम तैयार हो सकता है। तो इसके बाद ये जो है वो लेज़र राइटर प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है, जहाँ से प्रिंटिंग होके आ सकती है, जो टाइप सेटिंग और पब्लिशिंग के काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे और आम किस्म की प्रिंटिंग भी जो कंप्यूटर से आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी प्रिंटिंग ऐसी है कि हर एक ज़ुबान का काम हो सकता है, उर्दू और हिंदी और सारी हिंदुस्तानी ज़ुबानें एक साथ इसमें बन सकती हैं। ये लेज़र राइटर प्रिंटर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसका मैकिंटॉश फ्रंट एंड कहलाया जाता है, जहाँ प्रोग्राम चल रहा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कागज़ लगा के इसके कैसेट में फीड इन करने का होता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कैसेट इसका इस कंप्यूटर में लग जाए, तो फिर आप इसको प्रिंटर कमांड जो है यहाँ से देकर, तो ये तैयार डॉक्यूमेंट या आपके प्रिंटआउट को तैयार करके खुद ब खुद फीड इन करेगा, जो आप अभी देखेंगे। ये मुश्किल से 8 सेकेंड लगते हैं इसमें इसकी डॉक्यूमेंट पूरे तैयार होके बाहर निकल आती है। आखिर में आदिल साहब, मैं दो छोटे छोटे सवाल आपसे मजीद पूछना चाहूंगा। पहले तो ये, जिस चीज को आप इंटरएक्टिव फाइल कहते हैं, यानी आम आदमी तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, वैसे भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों की मालूमात बहुत कम है, जरा इसकी वजाहत करेंगे आम सुनने वालों के लिए, नाजरीन के लिए, कि इंटरएक्टिव फाइल क्या चीज है? इंटरएक्टिव फाइल एक टेक्नोलॉजी का नाम है,
जो अब लोग इससे काफी वाकिफ हो गए हैं, जैसे यूजर फ्रेंडली और कंपैटिबिलिटी भी कहलाया जाता है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उर्दू कंप्यूटर में आपकी फाइल जो हैं वो इस्तेमाल करने में बहुत आसान है। यूजर फ्रेंडली का मतलब ये है कि चाहे आप प्रोग्रामिंग जाने या ना जाने, कंप्यूटर का आपने पहली दफा इस्तेमाल किया है या आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, वो आपके साथ साथ ही काम करेगा। इंटरैक्टिव फाइल आपसे इंफॉर्मेशन लेगी और आपका काम करके देगी, आपको उसमें किसी किस्म की आपको मुश्किल नहीं होगा काम करने का, उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा होगी कंप्यूटर की वजह से। तो इसका नाम है इंटरैक्टिव, और ये उर्दू पेज मेकर बहुत ही इंटरैक्टिव फाइल है जिसमें आप हर एक काम हर एक के साथ मिलकर कर सकते हैं, चाहे अनजान आदमी हो या कोई बहुत एक्सपर्ट हो, एक साथ मिलकर उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको कंपैटिबिलिटी इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली की ज़बान में। जी हाँ। और एक चीज और भी जो यानी बाज़ इस्तलाहें ऐसी हैं कि आम लोगों के लिए बहुत दिलचस्पी के हामिल हैं, मसलन यूजर फ्रेंडली, ये इस्तलाह इस्तेमाल की गई है आपके सिस्टम के बारे में भी, इसकी जरा वजाहत फरमाइए। और ये कि इंटेलिजेंट कीबोर्ड क्या चीज है? इंटेलिजेंट कीबोर्ड भी हमारे उर्दू पेज मेकर की एक टेक्नोलॉजी है जिससे हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों लोगों को बड़ा फायदा होगा। वो इसलिए कि उर्दू और हिंदी और हमारी आम जुबानों के कीबोर्ड जो हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, उससे काफी यानी प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी में रुकावटें पैदा होती हैं। इंटरएक्टिव उर्दू पेज मेकर टेक्नोलॉजी में आपका इंटेलिजेंट कीबोर्ड हर एक जुबान में काम करेगा, यानी आप उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स करें, अलग गलत तरीके से एंट्री कर दें, तो कंप्यूटर उनको समझ के आपको स्क्रीन पे बताएगा कि आपका असली मकसद ये था या ये था। तो इंसान को यानी वो रुकावट नहीं पैदा होगी कि मैंने गलत काम किया है, मैंने दोबारा करना पड़ेगा, वो उसी काम को आगे बढ़ाता चला जाएगा। और उससे इंटेलिजेंट कीबोर्ड ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी कंप्यूटर के साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि कीबोर्ड में ही कंप्यूटर लगा हुआ है, वो इस उर्दू पेज मेकर का एक हिस्सा है, एक उसका यूटिलिटी है। बहुत शुक्रिया। अली सिद्दीकी साहब, आपके बारे में मालूम है कि जो वर्ड कंप्यूटर एडेड नॉलेज सिस्टम जो उर्दू पेज मेकर आदिल शहरयार साहब ने बनाया है, तो आप एक जमाने से, एक मुद्दत से, कई बरसों से इसके साथ एसोसिएटेड रहे हैं। जी हाँ। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ अपने सुनने वालों के लिए कि आपका जहन किस तरह इस तरफ गया। इसलिए मैं तकरीबन 20 साल से उर्दू के कई मैगजीन निकाला और उर्दू की दो किताबें मेरी आईं। मुझे दिक्कत महसूस हुई किताबत की, नस्तालिख की, तो आदिल शहरयार साहब से इब्तदा में मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि वो इलेक्ट्रॉनिक उर्दू टाइपराइटर नस्तालिक का आप बना सकते हैं क्या। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मामूली बात है, मैं कंप्यूटर बना दूंगा। तो कंप्यूटर के ताल्लुक से खुद मेरे मालूमात कम थे, हकीकत ये है। तो जब इन्होंने मुझे हर चीज समझाया कि इतना फास्ट हो सकता है उर्दू का काम कि दिन में आप रोजाना कई किताबें छाप सकते हैं, बड़ी मसरत हुई। और मैं ये महसूस किया कि आज उर्दू अखबारात उर्दू किताबों के लिए कंप्यूटर फिर लाजिमी है, क्योंकि इसकी इजाद से उर्दू वालों में एक नई लहर आएगी। जो काम तीन तीन चार चार छः छः महीने या एक एक साल का होता है वो मिनटों में हो जाएगा, और हमारे उर्दू अखबारात की इशात में इजाफा होगा। आदिल साहब ने मुझे समझाया कि मैं ऐसा सिस्टम दूंगा कि हर शख्स अपने घर में ये कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता। जब इनसे मेरी सारा डिस्कशन हुआ तो इनसे एक ही रिक्वेस्ट किया, जितना जल्दी आप काम कर सकते हैं इस पे काम कीजिए, यह उर्दू वालों के लिए बड़े फख्र का काम होगा, इससे कई रोजगार के मौके मिलेंगे। वो कैसे, जो किताबत का काम है, कई लोग अपना कंप्यूटर रख करके लोगों को प्रिंट दिया करेंगे, आप ऑफसेट पे रख करके उसे छाप सकते हैं। इसके पेश नजर हम ये काम शुरू किए, आज वो इब्तदाई मरहले से निकल के आखिरी मरहले में आ गया है। शायद हम तीन चार महीने में उर्दू का सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान में तैयार करेंगे, और शायद सॉफ्टवेयर हमारा सारी दुनिया में जाएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले हिंदुस्तान में आदिल शहरयार ने ये उर्दू कंप्यूटर बनाया, और ये उसके मौजूद हैं। और नई टेक्नोलॉजी ये है कि इस तरीके से कि वो जो कदीम तरीका था अल्फाज को मिला के लिखने का, वो सिस्टम अलग है। आदिल साहब जो सिस्टम बना रहे हैं वो शॉर्ट हैंड सिस्टम है, जैसा एक लफ्ज पूरा कंप्यूटर से आके प्रिंट होगा और बहुत खुशखत होगा। कंप्यूटर बहुत महंगी चीज है जी, जरा इसके बारे में बताएं कि आम आदमी इससे किस तरह से फायदा उठाएगा।
कंप्यूटर यकीनन इस वक्त महंगा है, लेकिन ये उर्दू कंप्यूटर हिंदुस्तान में हम खुद बनाने वाले हैं। आपको ये खुशखबरी सुनाओ, वो इतना महंगा नहीं होगा, बल्कि आदिल साहब की तो राय यह है कि 500 रुपए में हर घर में हम कंप्यूटर उर्दू का दे देंगे। इस सिलसिले में अभी हम लोग बाहर गए थे इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, और आदिल साहब ने मुझे सारा बताया कि हम बहुत आसानी से कम दाम में हर घर में उर्दू का दे सकते हैं। तो हमारी पूरी तवज्जो है कि कम दाम हो और लोगों को सहूलत पहुंचे। यकीनन इतने बड़े दाम का कोई कंप्यूटर नहीं खरीद सकते। हमारी कोशिश यह है कि किसी सूरत से कम दाम में और बेहतरीन सॉफ्टवेयर उर्दू का हम तैयार करें और हमारे उर्दू अदीबें तैयार करें, और जितने पुराने उर्दू के जितनी किताबें हैं वो सारा जो है हम कंप्यूटराइज करें, ताकि एक यादगार हमेशा के लिए उनके डिस्क तैयार हो जाए। ये काम आदिल साहब कर चुके हैं, अभी हमारे साथ कुछ उर्दू वाले साथ दे रहे हैं, जिसमें खुद मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़ा हमारे साथ ताउन किया है। मैं तो अली भाई खिदमत गुजार हूँ उर्दू का, बेहद आपका शुक्र गुजार हूँ, और आपके जज्बा सादिक, बल्कि आप दोनों के जज्बा सादिक को देखते हुए मुझे यकीन है कि आप हजरात कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दुआ फरमाइए, यकीनन हम कामयाब होंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फैजान को आम करना और इसको आवाम तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई इदारों की ज़रूरत होगी, कई इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होगी। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर के इस्तेमाल और टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों तक पहुंचाने के लिए आदिल शहरयार और अली सिद्दीकी प्रगति मैदान पर कायम कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एडेड नॉलेज। वज़ीर आज़म ने कंप्यूटर का इफ्तिताह करने के बाद, यानी उर्दू सिस्टम का जो इफ्तिताह हुआ है उसके बाद, वो इस इंस्टीट्यूट के मुआयने के लिए तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने मशीनों को देखा। वहाँ 50 कंप्यूटर नस्ब किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ फ़नून और मुख्तलिफ जॉब्स के लिए तालिबे इल्मों की तरबियत का काम जिसमें शुरू होगा।